हेलो गाइस, वेलकम टू द आरएनजी मीडिया। तो गाइस, आप इस बंदे को जानते होंगे जिसका नाम है जेम्स गन। इस बंदे ने एक ऐसी मूवी डायरेक्ट करी जो है गार्डियन द गैलेक्सी। हमें एक ऐसी ऐसी जगह देखने को मिली जो कि मार्वल की किसी फिल्म में हमें देखने को आज तक नहीं मिली है। अब सबसे बड़ी न्यूज ये है कि मैं अपनी दो वीडियोस लॉन्च करूंगा मार्वल फेज 4 से रिलेटेड, वो भी कल 11 बजे और एक आज रात 8 बजे। तो मार्वल फेज 4 में जेम्स गन पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था एडम वॉरलॉक का, कि उस बंदे को इन्फिनिटी वॉर में दिखाएं या ना दिखाएं। अगर दिखाएं तो गार्डियन द गैलेक्सी में डायरेक्ट दिखेगा। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, कोई लक्ष्मण की लकीर नहीं है कि ये कंफर्म हो चुका है। तो इन्फिनिटी वॉर में ये कंफर्म हो सकता है बंदा। अब दूसरी बात कि जेम्स गन ने अनाउंस कर दी कि गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 2020 में रिलीज होगी। और केविन फाइगी ने अपना एक कमेंट बोला था मार्वल फेज 1 से पहले कि ये कॉस्मिक यूनिवर्स होने वाला है, यानी कि काफी सारे एवेंजर्स, काफी सारे हीरोज, काफी सारे विलेंस हमें फेज 4 में देखने को मिलेंगे। तो ये शुरुआत सिल्वेस्टर से हो रही है, जो कि सिल्वेस्टर एक काफी बड़ी लीडर था इनका रिवेंजर्स का, जो कि हमें गार्डियन द गैलेक्सी में पता चला। और एडम वॉरलॉक एक ऐसा कैरेक्टर है गार्डियन द गैलेक्सी में जो कि कॉस्मिक यूनिवर्स स्टार्ट कर सकता है। और हमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं और ऐसी ऐसी जगह देखने को मिल सकती है गार्डियन द गैलेक्सी में जो आज तक हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। तो काफी अच्छी बात है कि गार्डियन द गैलेक्सी में 2020 में देखने को मिलेगी, बट इसकी डेट और मंथ अभी कंफर्म नहीं है। अगर इसकी कोई अपडेट न्यूज आती है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। गाइज, आप रेडी रहिए 2020 में गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लिए। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, चाहते उस पर गार्डियंस के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय यारो।